और यहाँ पे घर आ गए हैं हम लोग। बस अब रात का डिनर का था, क्या बनाए क्या बनाए, तो किसी का ज्यादा कुछ खाने का मन नहीं था, तो मुझे लगा ऐसा करती हूँ रवा डोसा बना लेती हूँ। रवा डोसा बन भी जल्दी जाता है और कुछ अलग सा भी हो जाएगा, सबको टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा। मैंने मूंगफली की चटनी भी बनाई थी, लेकिन मूंगफली की चटनी की रेसिपी मैंने शेयर नहीं की है यहाँ पे। अगर आप चाहें कमेंट करिएगा नीचे, तो मैं मूंगफली की चटनी की रेसिपी भी शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में और अब मैं कर रही हूँ डोसा बनाने की तैयारी। रवा डोसा बना रही हूँ, सूजी का डोसा बना रही हूँ। बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही क्रिस्पी बनता है, बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। डोसा बनाने की रेसिपी बहुत सिंपल है और बहुत जल्दी बन जाता है, बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं, इवान भी अच्छे से खाता है। इनफैक्ट मैंने तो इसके अंदर की स्टफिंग भी तैयार की थी आलू की और पूरा प्रॉपर डोसा बनाया था। मूंगफली की चटनी बनाई थी, सांभर नहीं था बस, बाकी पूरा सब कुछ किया था। तो चलिए शेयर करती हूँ आपके साथ मैं यहाँ पे रेसिपी डोसा बनाने की। तो यहाँ पे बस बहुत सिंपल है, आपको लेना है ये मेरे बड़ा सा बर्तन लीजिए, मैंने भिगोना लिया है और इसमें मैंने डाली है आधा कप सूजी, और जितना आप सूजी डालेंगे उतना ही आपको राइस का आटा, चावल का आटा डालना है। चावल आपके आटा नहीं हो तो चावल तो घर में होते ही है, उसको पीस लीजिए। आधा कप चावल का आटा, आधा कप सूजी और 1/4 कप मैदा डाला है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है 2.5 कप जो है पानी, और पानी के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला है, और नमक के साथ ही मैंने यहाँ पे डाली है 1 चम्मच दही। और दही डालने के बाद बस अच्छे से इसको विस्कर से लम्प फ्री जो है वो घोल लीजिए अच्छे से, इसमें कोई लम्प्स नहीं होने चाहिए। और उसके बाद आपको इसमें क्या क्या सामान डालना है वो मैं बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे डाली है प्याज चॉप करके, उसके अलावा मैंने डाला है यहाँ पे थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, काली मिर्च को साथ साथ पीस के डाल दीजिए अच्छा टेस्ट आएगा। 1 चम्मच जीरा डाला है, धनिया पाउडर भी डाला है मैंने यहाँ पे, कड़ी पत्ता डाला है। ये सारा सामान डाल के इसको अच्छे से फेंट दीजिए, मिक्स कर दीजिए और इसको छोड़ दीजिए आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के लिए इसको ढक के रख दीजिए, और इतने तक ये आधे घंटे तक ढक के रखा हुआ है मैंने। अब मैं साथ में बना लेती हूँ आलू की स्टफिंग, जो आलू हम लोग खाएंगे इसमें भरेंगे, जैसे मसाला डोसा होता है उसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो मैंने आलू पहले ही उबाल लिए थे, और उबालने के बाद बस मैंने यहाँ पे ऑयल डाला है, ऑयल के साथ मैंने जीरा डाला है, जीरा डालने के बाद मैंने प्याज डाली है। प्याज का बड़ा मीठा मीठा टेस्ट आता है डोसे में, बहुत अच्छा लगता है। और प्याज डालने के बाद मैंने यहाँ पे जो बेसिक मसाले होते हैं वही डाले हैं सारे, मिर्च डाली है, हल्दी डाली है, धनिया पाउडर डाला है, थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद जो मैंने आलू बॉईल किए थे उसको मैंने हाथ से फोड़ लिया था, तो मैंने वो आलू डाल दिए हैं और आलू को अच्छे से मसाले में मिक्स कर दिया है। आलू को कड़छी से अच्छे से फोड़ दीजिए, इस तरीके से होने चाहिए आलू के, कुछ आपको मुंह में आए कुछ गल जाए इस तरीके से, कुछ फोड़ दीजिए कुछ रहने दीजिए पीस उसमें आलू के। तो बस यहाँ पे ये आलू की डोसे की स्टफिंग जो है बहुत अच्छे से तैयार हो गई है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और हाँ, नमक भी डाल दीजिएगा, नमक तो मैं आपको बताना भूल ही गई, इसमें नमक भी डलेगा स्टफिंग में। उसके बाद जो है बस यहाँ पे हो गया है आधा घंटा ये घोल को रखे हुए डोसे के, तो डोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए तवा जो है बिल्कुल गर्म होना चाहिए, एकदम बढ़िया से गर्म कर लीजिए तवा को, क्लीन कर लीजिए, और उसके बाद ये जो कड़छी भर के पूरी कड़छी एक घोल ऐसे फैला दीजिए जिस तरीके से मैं तवे पे फैला रही हूँ। और उसके बाद इसके आसपास आपको डालना है ऑयल, जैसे जो कोने हैं वो चिपके नहीं, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल स्प्रिंकल कर दीजिए, डाल दीजिए, और आसपास भी डाल दीजिए। उसके बाद आपको वेट करना है 3-4 मिनट में, आप देखेंगे डोसा ब्राउन होने लगा है, ब्राउन ब्राउन चित्ते जो है वो आने लगे हैं डोसे पे। तो बस उसको फिर जो है अच्छे से कोने को कोने से हटाइए, उसको कोने आराम से निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे देखिए पलट दीजिए बस उस डोसे को, और कितना क्रिस्पी डोसा बना है, बहुत ही अच्छा। और साथ में जैसे ही वो आपको ब्राउन चित्ते दिखने लगे तो वहां पे आप डाल दीजिए आलू जो आपने स्टफिंग तैयार की है, और उसको फोल्ड कर दीजिए, और यहाँ पे आपका बन गया रवा डोसा, जो बहुत बहुत ही टेस्टी लगा था। हम लोगों ने डिनर में सबने 3-3, 4-4 खा लिए थे क्योंकि बहुत हल्के होते हैं, और हम लोगों का डिनर हो गया था बहुत ही बढ़िया, सबको बहुत ही पसंद आई ये रेसिपी भी। आप लोग ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी, या फिर अगर आप लोग बनाते हैं तो क्या किसी और तरीके से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, वो भी जरूर शेयर कीजिएगा। अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 और हम लोग वापस आ गए, मौसा जी हमें छोड़ गए क्योंकि अजय को तो जो है वो ऑफिस जाना पड़ गया था, इतना मूड ऑफ हो गया एकदम से, ऑफिस से कॉल आ गया कि जरूरी काम है आना पड़ेगा, तो वो चले गए थे। तो हम लोग वहीं थे, थोड़ी देर सोए वोए, इवान सो गया था, शॉपिंग वगैरह की शंकर मार्केट से। तो मुझे लगा चलो जो मैं सामान लाई हूँ आपके साथ शेयर करूँ, आपको दिखाऊं, तो बस यही दिखाती हूँ मैं आपको कि मैं क्या क्या सामान शंकर मार्केट से लेके आई हूँ। मार्केट का हाल तो आपने देख ही लिया,
कितने कम लोग थे, मतलब मैंने 4 साल होने वाले हैं मेरी शादी को और मैंने आज तक कभी इतने कम लोग नहीं देखे सीपी में और शंकर मार्केट में। आज तो बहुत कम लोग थे, मतलब जो जरूरी वाले थे शायद वही होंगे। तो चलिए दिखाती हूँ कि मैं शंकर मार्केट से क्या क्या लेके आई हूँ। तो एक ये मैं लेके आई हूँ रेमंड का टाल। मेरा टाल जो है वो खराब हो रहा था काफी, मतलब टाइम हो गया था, तो मुझे लगा चेंज कर देती हूँ। बहुत ही फाइन फैब्रिक है और जो ब्रांड है वो रेमंड है और बहुत ही अच्छा है। पिंक कलर का लेके आई हूँ। तो ये अराउंड मुझे 400 का पड़ा। ये एक ही टाल है फुल साइज का, पर बहुत ही बढ़िया है, कपड़ा इसका बहुत अच्छा है। उसके अलावा मम्मी का मन था पिलो कवर लेने के लिए, तो मम्मी ये वाले रेमंड्स के ही पिलो कवर लेके आई है। देखिए कितना प्यारा डिजाइन है, दो पिलो कवर है, ये भी 400 के हैं, दो पिलो कवर रेमंड्स के ही हैं और ये इसका डिजाइन हम लोगों को बहुत पसंद आया, जो ये फ्लावर बने हुए हैं, तो मम्मी ने जो है ये ले लिया। उसके अलावा मैं लेके आई हूं ये है, दिखाती हूँ आपको क्या क्या सामान है। ये एक कुर्ता है, ये मैं अपनी ननंद के लिए लेके आई हूँ। ये ऐसे चेक पैटर्न में है, कॉटन प्लस ब्रांड था ये, और ये पूरा चेक पैटर्न में था कुर्ता। आप देख सकते हैं ये इस तरीके का है, पूरा फुल स्लीव कुर्ता है, ब्लैक कलर का। आजकल चेक जो है वो बहुत इन है कुर्तों में, बहुत चल रहा है, फैशन में है, तो ये वाला कुर्ता फुल लेंथ बहुत अच्छा है। ये वाला हम लोग लेके आए हैं मेरी ननंद के लिए लेके आए हैं हम लोग, अभी जैसे फेस्टिवल सीजन वगैरह आ रहा है तो उसको दे देंगे। ये ब्लैक कलर का चेक का कुर्ता लेके आए हैं कॉटन प्लस से। उसके अलावा मैं लेके आई हूँ ये लैक्मे का आइकॉनिक काजल। ये मेरा काजल खत्म हो गया था, मुझे चाहिए था, तो मुझे लगा ले लेती हूँ, बार बार तो मार्केट जाया नहीं जाता और जाना भी नहीं चाहिए, अभी सेफ भी नहीं है। हम लोग भी पूरा मास्क वास्क लगा के गए थे अच्छे से, सेफ्टी से, और सैनिटाइजर भी साथ में लेके गए थे। तो ये आइकॉनिक का काजल, मैं आइकॉनिक और मेबेलिन काफी यूज करती हूँ, तो पिछली बार आइकॉनिक लेके आई थी, अब की बार मेबेलिन लेके आई थी, अब की बार आइकॉनिक ले आई। उसके अलावा मेरी स्ट्रेट ब्रश आज सुबह टूट गई कॉम करते हुए, जब मैं कॉम कर रही थी, तो ये वेगा की स्ट्रेट ब्रश लेके आई हूँ मैं, एक बहुत अच्छी रहती है, बाल अच्छे से कॉम हो जाते हैं, और मेरे जैसे बाल घुंघराले कर ली तो बहुत मुश्किल है, तो स्ट्रेट ब्रश जो है वो काफी हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। उसके अलावा मैं लेके आई हूँ ये मम्मी लेके आई है अजय के लिए एक जो निक्कर कहते हैं जिसे, वो है ये ब्रांड है बॉडी केयर और बहुत ही अच्छा फाइन कपड़ा है, अब गर्मी में चाहिए थी तो मम्मी एक ये लेके आई है अजय के लिए। और उसके अलावा है ये लोअर, ये भी जेंट्स लोअर है, ये ब्रांड था डॉलर और ये भी मम्मी लेके आई है, कोई भी पहन लेगा, सबका साइज यहाँ पे सेम ही है, पापा का, भैया का, अजय का, तो ये भी बहुत अच्छा है कपड़ा, बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत फाइन कपड़ा है, डॉलर ब्रांड है ये। और इनके प्राइजेस सारे ऐसे ही हैं, 675 का लोअर है, निक्कर जो है वो 425 की है, इस तरीके का है। और ये देखो, ये मैं अपना एक नाइट सूट लेके आई हूँ, लोअर और टी शर्ट, बहुत जरूरत हो रही थी, मतलब कब से सोच रहे थे लेके आने के लिए, सारे ही खराब हो गए क्योंकि आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो मैं सारा काम सारे दिन इसी में ही घूमती रहती हूँ, लोअर टी शर्ट में ही घर में, तो इस वजह से मेरे सारे ही खराब से हो गए हैं, फटने से लग गए थे, तो इसलिए लेके आए हैं हम लोग। ये तो मैं लेके आई हूँ ग्रे कलर की टी शर्ट, ये काफी नीचे तक है, मतलब नीस से ऊपर तक, और ये देखिए पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है कितना सुंदर, और ये ग्रीन कलर मुझे बहुत, ये ग्रे कलर बहुत ही सुंदर लग रहा था, तो मम्मी ने कहा कि ये ले लो, बहुत अच्छा है ये वाला कलर। और इसके अलावा इसके नीचे हमने पेयर अप किया है लोअर, ये पूरे सेट भी थे वहां पर वो कोई पसंद ही नहीं आ रहा था, और जो पसंद आ रहा था उसमें साइज नहीं था, मेरा आजकल लार्ज साइज आता है मुझे, तो थे ही नहीं, तो हमने टी शर्ट अलग ले ली, लोअर अलग ले लिया। और ये मैंने लिया है, जो लोग दिल्ली में रहते हैं शंकर मार्केट में ब्लॉक 1 में सेकेंड शॉप है कुमार स्टोर्स, बहुत ही बढ़िया शॉप है, मतलब सारे गाउन्स, नाइटीज, नाइट सूट्स, लोअर टी शर्ट्स, और ये मेकअप का भी मैं आइकॉनिक और ये वहीं से लेके आई हूँ, वेगा की ब्रश, तो ये सब आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया शॉप है। बाकी मैंने शंकर मार्केट थोड़ा बहुत कवर करने की कोशिश की, ब्लॉक 1 आगे हम गए नहीं क्योंकि सेफ नहीं था, मम्मी ने मना कर दिया कि आगे नहीं जा रहे, यहीं से सामान लो और चलो। और ये है वो लोअर जो मैं बता रही हूँ, कितना प्यारा कलर है इसका, पर्पल कलर है और अच्छा है, मतलब काफी अच्छा है कपड़ा, बहुत अच्छा है, तो मम्मी ने कहा कि ये इसके साथ जा रहा है टी शर्ट के साथ, ये पेयर अप कर लो। तो ये अलग अलग ऐसे था, ये 425 का था, वो भी मतलब 1100 के आसपास का पूरा टी शर्ट लोअर का सेट पड़ गया, और काफी सुंदर, ये अभी जब मैं पहनूंगी तो आपको व्लॉग्स में दिख ही जाएगा, तो ये बहुत अच्छा लगा, मतलब मुझे लोअर भी बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है, अभी पहनूंगी तो और पता चलेगा वॉश करने के बाद कैसे। वैसे मैं उस शॉप से 2 नाइट सूट पहले भी लेके आई थी और वो काफी अच्छे थे, तो इसलिए मैं लेके आई हूँ। तो बस ये थोड़ी सी शॉपिंग की हम लोगों ने शंकर मार्केट से, और मैं ये फैन ऑफ करके वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि साउंड आता है ना फिर ढंग से सुनाई नहीं देता, तो पसीना पसीना आ रहा है, गर्मी कुछ दिन से बहुत ज्यादा ही बढ़ गई है, दोबारा से आ गई है, मुझे लग रहा है सर्दी आने से पहले दोबारा से एक बार गर्मी आ गई है,
तो बस ये थोड़ी सी शॉपिंग थी, लगा शेयर कर दूं आप लोगों के साथ आजकल क्या क्या मार्केट में चल रहा है और किस तरीके के पैटर्न चल रहे हैं कुर्ते में। जैसे वो कुर्ता जो मैंने लिया और वो सिर्फ 500 का कुर्ता है और इतना अच्छा मटेरियल है, सब कुछ बहुत अच्छा था। तो बस आप बताइएगा इसमें से कोई आइटम आपको अच्छा लगा, कौन सा पसंद आया और ये व्लॉग आपको कैसा लगा। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, आप लाइक करना भूल जाते हैं, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, इससे मुझे थोड़ा एनकरेजमेंट मिलता है अगर आप लोग पसंद करते हैं वीडियो को तो। और सब्सक्राइब, अगर आप नए हैं चैनल पे, पहली बार देख रहे हैं मेरी वीडियो को, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, वैसे भी काफी बड़ा हो गया, रेसिपी, घूमना फिरना, इस व्लॉग में मैंने सारा टोटल सब कुछ ही शेयर कर दिया आप लोगों के साथ। तो मिलती हूँ आने वाली वीडियोज में, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज में, जो मैं आपके लिए लेके आती रहती हूँ। टिल देन अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, सेफ रहिए। तो चलिए मिलती हूँ बाद में, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।